जब से गेट डॉट आई पे उसकी लिस्टिंग हुई है तब से बहुत सारी लिस्टिंग होती जा रही है और बहुत ज्यादा अपडेट्स आने लगी और फैन फॉलोइंग ट्विटर पे बढ़ने लगी है। तो हर चीज पे बात करेंगे शुरुआत से एंड तक, वीडियो जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो क्योंकि बेस्ट वीडियो मैं देते रहता हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लोकी इनू कॉइन के बारे में। फ्लोकी इनू जो है पिछले एक दो सालों से बिल्कुल स्टेबल सिचुएशन पे था, लेकिन जब से शिबा इनू ने, बेबी डॉज ने और ऐसे कई कॉइन ने सोशल मीडिया की हेल्प करके बर्निंग की अपडेट लाके और दुनिया बड़े के धड़ाधड़ काम करके अपना नाम जब आगे लेके गया, तब जो है एक हलचल आना शुरू होती है कि इस कॉइन ने अब कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से काम करना शुरू कर दिया। अब जब से गेट डॉट आईओ पे लिस्टिंग हुई है तब से हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशन भी आ गए इस कॉइन से। लिस्टिंग बेशक मेजर काम करती है, बट इतना भी नहीं कि उसका यूज केस ही क्रिएट कर दे। लिस्टिंग सिर्फ एक नई अपॉर्चुनिटी देती है, लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, जहां पर आप इजीली किसी कॉइन तक पहुंच सको। बट आज के टाइम पे जब से शिबा इनू का रॉबिनहुड वाला काम चालू हुआ है, तब से लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अब लिस्टिंग शुरू हो गई है तो अब कॉइन बहुत बढ़ने वाला है, बहुत पंप होने वाला है। ऐसा नहीं होता है। काफी सारे कॉइन जो है सारे एक्सचेंजेस में लिस्ट है, लेकिन वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि जब तक उनका यूज केस या उनका फंडामेंटल बहुत ज्यादा ब्राइट ना हो तब तक इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाने चाहिए। अब लवली इनू ने लिस्टिंग वाला काम शुरू कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। अभी के टाइम पे ज्यादा जल्दी बढ़ने का तरीका आ गया है। तो अभी यहां पर एसेंडेक्स नाम का एक जो एक्सचेंज है वहां पर लिस्टिंग 11 अगस्त को हो चुकी है और अब जो है एक और नई लिस्टिंग जल्दी ही आने वाली है। अब कॉइन स्टोर पे इसकी लिस्टिंग जो है जल्दी कभी भी हो सकती है, उसका भी एक अपडेट ट्विटर पे आ गया है। लेकिन यहां से क्या सच में 1-2-0 किल करेगा? बस इसके बेसिस पे हम बोल दे कि भाई अब जो कॉइन है सीधा स्काई रॉकेट होगा, बुल पे जाएगा और वहां पर वो 1-2-0 किल कर देगा, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। बेशक एक्सचेंजेस में जा रहा है, थोड़ा सा एक अनस्टेबल सा हमको पंप देखने को मिलेगा, बट ये परमानेंट नहीं रहेगा जब तक उसका यूज केस या फिर उसकी बहुत सारी चीजें, जैसे बेबी डॉज क्रिएट कर रहे हैं, शिबा इनू क्रिएट कर रहा है मेटावर्स में, गेम में, यहां वहां एनएफटीज में, बट वैसा कोई भी अभी फिलहाल के तौर पे इतना ज्यादा मेजर अपडेट नहीं आया। ये जस्ट लिस्टिंग्स हो रही हैं। बेशक जो एक चीज अच्छी हुई कि ट्विटर पे 2.5 लाख से ज्यादा इसके फैंस बन गए हैं, बट ये चीज मैटर नहीं करती है, क्योंकि जब तक ये चीज असल लेवल पे रियल यूज केस में नहीं जाएगी तब तक यहां पंप नहीं। तो मैं अभी भी इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, बेशक कि इसको बहुत ज्यादा पैसा लगाओ। अगर आपको लगाना है तो 1,000-2,000 रुपए तक ठीक है, एक लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एक किस्मत को, गैम्बलिंग को लेकर। बट अगर आप इसको ऐसे समझ रहे हैं कि बस अब ये स्काई रॉकेट हो जाएगा क्योंकि लिस्टिंग हो रही है, लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया, बातचीत करने से सिर्फ कॉइन लाखों नहीं दे देते, तो बाकी आपको रिसर्च करनी चाहिए। मैं रिकमेंडेशन ही दूंगा इस बेसिस पे कि ये लिस्टिंग से 1-2-0 किल हो जाएंगे यू ही। तो बस आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको समझना चाहिए इस चीजों को। टेलीग्राम का चैनल भाई डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, कमेंट करके बताओ आपने क्या सच में फ्लोकी इनू अभी तक खरीद रखा है या नहीं, खरीदा है तो कितना होल्ड कर रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड अगर आपको लग रहा है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।